नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। निर्भया में शहीद की पार्थिव देह पहुंचते ही रो पड़ा सारा गाँव, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। निर्भया गत रविवार रात मध्य प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थरोच के युवा सैनिक हर्ष पोटन की पार्थिव देह दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ आज दोपहर 12 बजे निर्भया पहुंची। पार्थिव देह के निर्भया पहुंचने से पहले ही शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए निर्भया थाना के नीचे लोगों की भीड़ एकत्रित होना शुरू हो गई। निर्भया पहुंचने पर व्यापारियों और सैकड़ों स्थानीय लोगों ने शहीद की पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान निर्भया बाजार शहीद हर्ष पोटन अमर रहे, भारत माता की जय हो और जब तक सूर्य चांद रहेगा हर्ष तेरा नाम रहेगा के नारों से गूंज उठा। सीमेंट से लदे ट्रक के ऊपर से बहने लगा बरसाती नाला, सड़क पर लगा जाम। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते जिले में एक दर्जन के करीब सड़कें बंद हो गई। वहीं नाहन में एक निर्माणाधीन मकान को भी भारी क्षति पहुंची है। बारिश के बीच स्थल क्षेत्र में करंट लगने से एक मवेशी की मौत हो गई। सोलन मिन्स रोड पर नोहरा धार राजगढ़ के बीच कंडा नाले के पास सीमेंट से लदा एक ट्रक फंस गया। देखते ही देखते कंडा नाला उफान पर आ गया और तेज भाग के साथ पानी ट्रक के ऊपर से बहने लगा। चालक ने बड़ी मुश्किल से भागकर जान बचाई। रात भर ट्रक सड़क के बीच फंसा रहा और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बुधवार सुबह ट्रक को निकाला गया जिसके बाद मार्ग बहाल हुआ। हमीरपुर 29 अगस्त को होगी सेना भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के भर्ती निदेशक कर्नल संजीव कुमार ने कहा कि शारीरिक परीक्षा में छंटनी किए गए अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा हमीरपुर में होगी। इसकी संभावित तिथि 29 अगस्त तय की गई है। इन सभी अभ्यर्थियों ने इंदिरा स्पोर्ट्स स्टेडियम ऊना में इसी साल मार्च माह में सेना की भर्ती रैली में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को भर्ती के दौरान या बाद में आर्मी डॉक्टर या मिलिट्री अस्पताल जालंधर ने डॉक्टर मेडिकल में फिट घोषित किया है, वे सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर में निर्धारित तिथि को शेष बचे दस्तावेज और पुराने एडमिट कार्ड जमा करा दें और नए एडमिट कार्ड एकत्रित कर ले। हिमाचल प्रदेश की पिछली सरकारों में बड़ा मुद्दा रह चुका फोन टैपिंग। हिमाचल प्रदेश की पिछली सरकारों में फोन पर जासूसी एक बड़ा मुद्दा रह चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल तो इस संबंध में एक दूसरे की सरकारों पर अपने और अन्य राजनेताओं के फोन टैप करने के आरोप तक लगा चुके हैं। अब देश भर में बहुत चर्चित पेगासस प्रकरण के बाद राज्य के कई राजनेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं। हालांकि यह दूसरी बार बात है कि जब जयराम सरकार के 3 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद किसी भी विपक्षी नेता ने उन पर इसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। बेशक हर तीसरे महीने टेलीग्राफ एक्ट के तहत अपराधियों के टैप किए गए फोन के बारे में मुख्य सचिव समीक्षा निरंतर करते रहते हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी, निरंकुश या सम्राट के रूप में काम नहीं कर सकते स्वास्थ्य निदेशक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 उम्मीदवारों को प्रयोगशाला सहायक एलोपैथी के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। इन्हें 22 उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट में से 3 उम्मीदवारों के इस पद पर उपस्थिति न देने के कारण अवसर दिया जाना कानून वाजिब था। स्वास्थ्य विभाग को यह नियुक्तियां 1 सप्ताह के भीतर करने के आदेश दिए गए हैं। न्यायाधीश तलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने टिप्पणी की, ये अत्यंत खेदजनक है कि निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर है कि उन्हें सौंपा गया कार्यालय उपयोग के लिए है, न कि दुरुपयोग के लिए। निदेशक निरंकुश या सम्राट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। 1 घंटा 28 मिनट स्थिर रहकर अजय ने शीर्षासन में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमीरपुर जिले की बहोनी पंचायत के घुंधवी गांव के अजय कुमार शर्मा ने शीर्षासन में 1 घंटा 28 मिनट स्थिर रहकर 3,700 बार भद्रासन लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ योग में नाम दर्ज करवाया है। यह उनका तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ABYM के कार्यक्रम में अजय ने 30 मार्च को भाग लिया था और शीर्षासन लगाकर भद्रासन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए योगा वर्ल्ड बुक में अपना दावा प्रस्तुत किया। अजय को 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड की कॉपी प्राप्त हुई है। अजय कुमार शर्मा ने पिछली बार वृक्षासन में 1 घंटा 40 मिनट 30 सेकंड स्थिर रहकर पहला विश्व रिकॉर्ड और उत्थित पद्मासन में 2रा वर्ल्ड रिकॉर्ड और अब उन्होंने शीर्षासन के साथ भद्रासन लगाकर 3रा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अजय कुमार ने इसी साल जनवरी में ऑल इंडिया सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। जासूसी के विरोध में 23 जुलाई को प्रदर्शन करेगी हिमाचल कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पेगासस जासूसी के विरोध में 23 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन तक विरोध प्रदर्शन करेगी।
इसमें पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार की उनकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य लोगों के फोन टैप व उनकी जासूसी करने की कड़ी आलोचना की है। कहा कि इस मामले की जांच जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति से करवाई जानी चाहिए। शिमला कोरोना से जान गंवाने वाली महिला कर्मियों के परिवार को मिलेंगे 50 लाख। ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से जान गंवाने वाली महिला कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। आईजीएमसी शिमला के एमएस डॉक्टर जनकराज ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP के तहत कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले हर कर्मचारी के परिवार के लिए 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सीएम जयराम बोले, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से जल्द बैठक करेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शीघ्र अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ बैठक करेगी। संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के माध्यम से सरकार के समक्ष कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर दिया जाएगा। बुधवार को कोविड शिमला में अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर के नेतृत्व में महासंघ का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के उचित मुद्दों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निवारण करने का प्रयास करेगी। सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने प्रदेश में COVID-19 के प्रभावी प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई है। कोरोना के बावजूद सरकार ने सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को देय भत्ते समय समय पर मिलते रहे। उन्होंने कोरोना संकट में भी राज्य सरकार के साथ खड़े रहने के लिए कर्मचारियों का आभार जताया है। कहा कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों की उचित मांगों को समय समय पर पूरा किया गया है। कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं। चंबा कोर्ट में पेशी के लिए लाया दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। हिमाचल प्रदेश के बाल सुधार गृह ऊना से चंबा कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया दुष्कर्म का आरोपी चंबा बस स्टैंड में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसके गायब होने के बाद ऊना पुलिस के जवानों के हाथ पांव फूल गए। आरोपी की तलाश के लिए उन्होंने ट्रैफिक पुलिस चंबा की मदद ली। बस स्टैंड में लगे CCTV की फुटेज खंगाली गई, लेकिन आरोपी का पता नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने जगह जगह लगाए नाकों से गुजरने वाले हरेक वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। देर शाम तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। सिरमौर घराट के भीतर 92 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल शिलाई की कमरूर पंचायत में 92 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कमरूर पंचायत के खजियार निवासी नंदाराम सात लगते घराट में चारपाई पर सोया था कि इसी दौरान अचानक घराट के अंदर आग लग गई, जिससे वृद्ध जिंदा जलकर जल गया। जब गांव का युवक सुबह घराट के पास पहुंचा तो देखा कि घराट के अंदर से धुआं निकल रहा था। मंडी सरका घाट ने मोहित राणा ने जीता सिल्वर मेडल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरका घाट के कुठेड़ के मोहित राणा ने राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग संघ वोको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन की ओर से ऑनलाइन करवाई गई राष्ट्रीय म्यूजिकल फॉर्म प्रतिस्पर्धा में सीनियर वर्ग के हार्ड स्टाइल काता में सिल्वर पदक हासिल किया है। करीब 1.5 माह तक चली इस प्रतियोगिता में देश के 580 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। प्रतिस्पर्धा में प्रतिभागियों को हर एक राउंड पास करने के बाद एक कोड भेजकर उसे वीडियो में प्रदर्शित करना होता था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वीडियो आज का ही है। उसी कोड से अलग राउंड में प्रवेश मिलता था। इसी के साथ साथ 8 दिन का वर्चुअल तातामी रेफरी सेमिनार लगाकर राष्ट्रीय स्तर के रेफरी भी बन गए हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।